हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन एंड यू आर वाचिंग बीएचयू पाठशाला। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मिशन 2021 के लिए आप तैयार हो चुके होंगे। तो आज मेरा टॉपिक है सिलेबस डिस्कस करना बीएचयू बीएड का। तो इससे पहले मैं बता दूं बीएचयू के बीएड के बारे में, आपको बता दूं कि बीएचयू चार कोर्सेज में बीएड कराता है। एक तो जैसा कि आप देख सकते हैं ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज हो गया, दूसरा है लैंग्वेजेस में जैसे हिंदी इंग्लिश और संस्कृत, जिसका ग्रेजुएशन हिंदी इंग्लिश संस्कृत में होता है उसके लिए, उसके भी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। थर्ड जो आता है वो साइंस में आता है, जो साइंस स्ट्रीम से लड़के हैं उनके लिए भी। फोर्थ आता है मैथमेटिक्स के लिए। तो जनरली हम बात करने वाले हैं ह्यूमैनिटीज की। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसमें ग्रेजुएशन किए हुए इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएशन जो बीएड है वो ग्रेजुएशन के बाद की एक डिग्री है, तो आप सभी के लिए एक एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको बता दूं, अगर आपका ग्रेजुएशन हिस्ट्री में हो, आपका ग्रेजुएशन अगर पॉलिटिकल साइंस में हो, इकोनॉमिक्स में हो, ज्योग्राफी में हो, एआईएससी में हो, तो ऐसे जो लैंग्वेज छोड़ के जो भी कोर्सेज हैं आप एलिजिबल हैं इसको फिल करने के लिए। फिर आ जाती है बात इसके पोर्शन की। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि इसके एंट्रेंस एग्जाम में 100% का पेपर होता है, जिसका टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो 2.5 घंटे का होता है। आप इसको नोट कर लेंगे, 2.5 घंटे का आपका होगा और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स की होती है, एक क्वेश्चन गलत होने पर। तो ये हो गया इसके टाइमिंग और क्वेश्चन की बात। फिर आते हैं, इसको हम जनरली डिवाइड करते हैं दो पोर्शन में, एक 30 क्वेश्चन वाला पोर्शन जो कि कंपलसरी पोर्शन कहा जाता है, ये किसी भी स्ट्रीम से आप बीएड करेंगे उनके लिए जरूरी होता है और ये सब में कॉमन होता है। 70 जो होता है ये वेरी करता रहता है। तो पहले मैं जो कॉमन है उसके बारे में बता दूँ, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं किसको है, पहले थोड़ा सा उसके बारे में जान लीजिए। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि आपको टीचिंग से रिलेटेड एक कंसेप्ट जानना पड़ेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीचिंग। फिर उसके बाद जैसे कि एग्जांपल होता है फॉर्मल टीचिंग, इनफॉर्मल टीचिंग, फिर उसके बाद एक स्टूडेंट को पढ़ाने के वो तरीके कितने होने चाहिए, वे ऑफ टीचिंग, तो ढेर सारी चीज़ें आपको अपकमिंग क्लास में पढ़ने को मिलेंगी। फिर आता है दूसरा एजुकेशनल सिनेरियो। एजुकेशनल सिनेरियो क्या है, इसका मतलब है जैसे NEP के बारे में आप सुने होंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP, और NEP के साथ साथ सर्व शिक्षा अभियान, फिर उसके बाद सब पढ़े, ये सारी जो योजनाएं हैं वो इसी में इंक्लूडेड होती हैं। आप इसमें एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं NEP, SSA, RSA, ऐसा कुछ। फिर रीजनिंग मैथ की बात करते हैं, तो इसमें 5-5 क्वेश्चन रीजनिंग मैथ के होते हैं, मैं वो भी अभी आपको वीडियो एंड तक देखिएगा, मैं आपको पूरे बताऊंगा कितने क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आते हैं हम 70 क्वेश्चंस में। 70 क्वेश्चन में किन किन पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं, पहला आता है पॉलिटिकल साइंस से, दूसरा आता है हिस्ट्री से, तीसरा इकोनॉमिक्स, चौथा आता है हिस्ट्री ज्योग्राफी, पांचवा जो आएगा वो आपका आएगा यहाँ पे कॉमर्स, छठवां होगा होम साइंस। एक छठवां पोर्शन जो आएगा वो आएगा GS का बायोलॉजी पोर्शन, इसको जनरल साइंस में रखा जाता है। बायोलॉजी से इस बार भी क्वेश्चन आए थे, जब आप इस बार का अगर आप में से किसी ने एग्जाम दिया होगा तो देखेगा कि 8 से 10 क्वेश्चन बायो से आते हैं। उसमें मैं बता दूं इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में अंतर होता है। कॉमर्स के बारे में बात करें तो कॉमर्स जो है वो जनरली 3-4 पार्ट में होता है, उसमें मेन जो मेजर पार्ट है वो बता दूं अकाउंटिंग होता है, बैंकिंग होता है, और होम साइंस में जो है वो मैनेजमेंट आता है। होम साइंसेस के साथ मैनेजमेंट जो होता है, अगर आप में से कोई होम साइंस पढ़ा हो तो उसके उसको ये पता होगा, इसके बारे में भी हम पढ़ाएंगे। तो हम बात कर लेते हैं कि ये ओवरऑल आपको
एक सिलेबस रेडी हो गया, बोर्ड पे आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। हम बात करते हैं इनमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं किन किन पोर्शन से। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के आपके क्वेश्चन 10 रहेंगे, ये फिक्स है, 10 क्वेश्चन रहते हैं। एजुकेशनल से 10 फिक्स है, और रीजनिंग मैथ से 5-5 क्वेश्चन, 5+5 10 क्वेश्चन, ये ओवरऑल आपका 30 का हो गया। पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, तो ये हर बार वैरी करता है, तो 8 से 12 आप इसको ले लीजिए। हिस्ट्री को 10 से 12 ले लीजिए, इकोनॉमिक्स को आप 8 से 10 ले लीजिए, जीयू को, ज्योग्राफी को आप 10 से 12 ले लीजिए। फिर उसके बाद कॉमर्स की बात करें तो ये भी 10, होम साइंस की बात करें तो ये भी 10 और ये 10। जब आप इनको जोड़ के देखेंगे आप 100 क्वेश्चंस होंगे, और 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स का पेपर होगा आपका। अब ये रहा आपका एक शॉर्ट इंट्रो, तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। और इससे ये पहली क्लास थी बीएड की, आगे आप जितने भी लोग इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं और उसके उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है एमए बीएड और एलएलबी के लिए, उस पर आप कॉल करें, अच्छे से क्वेरीज लें, कोर्स के बारे में समझें, कोर्स को परचेज कर दें, कोर्स स्टार्ट हो गया है। और इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।